अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे, अल्लाह की हिफ्ज़ोमान में होंगे। और जितने भी हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत शुक्रिया चैनल को सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का। शौकीन दोस्तों के साथ वीडियोस वगैरह शेयर किया करें। अभी जैसे ही मैंने कुरीज़ वाले कबूतर को खोला है तो आपके सामने वो किस तरह जो है ना उड़ान के लिए तैयार हैं। तो कुरीज़ अगर आप परफेक्ट लेंगे, कबूतरों को सही तरीके से रखेंगे, तो वो जैसे ही निकलेंगे जो है ना उड़ान की तरफ ध्यान लगाएंगे और आसानी होगी आपके लिए कि आप सही तरीके से कबूतरों को साज कर सकें। फिलहाल मुझे इनको उड़ाना नहीं है, लेकिन एक ताव इंशाल्लाह से देंगे, सबको साथ देके एक ताव फिर बिठाएंगे स्लो स्लो, ताकि ये जो है ना खुद उड़ने का जो है ना चाह रखें दिल में। जब कबूतर खुद उड़ने का चाह रखता है ना, तब कबूतरों को ताकत दें और देखें किस तरह भागते हैं, किस तरह आपको शौक दिखाते हैं। जो चीज़ें बता रहा होता हूँ, जो चीज़ें मैं समझ रहा होता हूँ, काफ़ी दोस्तों को उनसे फ़ायदा भी मिलता है। काफ़ी दोस्त जो है ना व्हाट्सएप पे भी बताते हैं कि माशाल्लाह, क्योंकि कबूतरों को जब हम स्लो स्लो उठाएंगे तो फ़ायदा आपको लाजमी बात है मिलेगा कबूतरों से। अगर कबूतरों को आप तंग करेंगे, कबूतरों को उस तरह एक्टिव जो है ना नहीं रखेंगे, तो उसमें जो है ना काफ़ी मसले कबूतरों में पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ताव वगैरह भी वो रोक देते हैं। तो अभी चलते हैं इंशाल्लाह से ताव शुरू करते हैं। नवा तंग नवा कादा, माशाल्लाह से कबूतरों को देखें आप। खींच के रखा है दाना जो है मैंने इनका। ओ, ओ, ओ। इतना खींचे कि ज़्यादा ताव की तरफ ना हो, अपने एक ताव लगा के जो है ना आके बैठना बस। ज़्यादा जो है ना ये खींचेंगे जब अपने आप को, तो काफ़ी ऐसे कबूतरे भी हैं जो अभी कुरीज से निकले हैं, तो वो जो है ना उनके परों में मसला आ सकता है, काफ़ी ऐसे चीज़ें निकल आ सकती हैं। तो इस वजह से जो है ना इनको पहले यहीं पर एक एक ताव में जो है ना इनका स्टेमिना थोड़ा सा बराबर करेंगे, फिर जो है ना स्लो स्लो टाइमिंग बढ़ाएंगे, चाहे ताव की टाइमिंग हो। ताव में जो एक ताव लगवाने का टाइमिंग अगर ये लगा रहे हैं, 5 मिनट लगा रहे हैं या 2 मिनट लगा रहे हैं, तो उसको बढ़ाएंगे स्लो स्लो, फिर जो है ना इस तरह ये इनका दम भी पक्का होगा। असल बात होती है कि कबूतरों का दम पक्का हो तब जो है ना अच्छी तरीके से काम करते हैं। तो थोड़ा सा शौक का मज़ा लेते हैं, इनको जो है ना हल्के फुल्के ताव।
माशाल्लाह से बिल्कुल ज़बरदस्त था कबूतरों का। जो शरबती बैठने वाला है वो जो है ना वो आम पे उस तरफ ताव मारा, बाकी कबूतर माशाल्लाह से ज़बरदस्त ताव में। तो माशाल्लाह से कबूतरों को ताव वगैरह दे दिए, एक ताव के अलावा बाकी सारे ताव में साथ ही हम लोगों ने शौक किया माशाल्लाह से, और कबूतरे काफ़ी हद तक जो है ना उड़ान के लिए तैयार हैं। लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल करूंगा इनके ऊपर, ताकि ये जो है ना गर्दन के थोड़े बहुत खुरीज़ में हैं और थोड़े बहुत जो है ना कलियाँ इनके पक्के और हो जाएँ अच्छी तरीके से, तब जो है ना इनको सही तरीके से छोड़ेंगे अपनी उड़ान के लिए, ताकि ये भरपूर अपनी उड़ान लगाएँ। और उसके बाद जो है ना जो चीज़ें ताकत के लिए और दाना कौन सा इस्तेमाल और क्या कुछ होता है, तो काफ़ी दोस्त मुझे व्हाट्सअप पे बोल रहे होते हैं कि आप जो चीज़ें दे रहे होते हैं तो वो हमें दिखाया करें, बताया करें। तो इंशाल्लाह से पूरी कोशिश करूँगा कि जो चीज़ें दाना किस तरह और कैसे दे रहा हूँ, वो बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह से शौक के, वो इंशाल्लाह से आप लोगों के साथ शेयर लाजमी करेंगे। और वीडियोस वगैरह जो है ना आप लोग लाइक किया करें, आप जब लाइक करते हैं तब वीडियोस वगैरह बनाने में और भी मज़ा आता है। काफ़ी दोस्त लाइक कर रहे हैं, पहले से जो वीडियोस के लाइक थे वो ज़्यादा हो गए हैं, तो काफ़ी खुशी होती है कि दोस्तों को जब वीडियोस लाइक करने का मैं कहता हूँ तो माशाल्लाह से लाइक करते हैं, अल्लाह इज़्ज़त दे उन्हें। तो इंशाल्लाह से डेली की जो अपडेट है जहाँ तक हो सकेगा इंशाल्लाह से आप लोगों को अपडेट इसी तरह देते रहूँगा। और आज के ताव में मेरे ख्याल से कबूतरें काफ़ी हद तक ठीक थे, लेकिन जैसे जैसे इनमें जो है ना बेहतरी आएगी उसके बारे में भी इंशाल्लाह से बात करेंगे। और एक दो दिन बाद पानी वगैरह जो है ना उन उसमें क्या हाजमे के लिए और क्या चीज़ें जो है ना मैं इस्तेमाल करवाऊँगा वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। थोड़ा बहुत आप लोगों को अगर मैं दिखाऊँ तो ये जवाने आप देख रहे हैं ना, ये गर्दन की खुरीज़ में, ये जर्द अबलग गर्दन की खुरीज़ में, ये जोगी गर्दन की खुरीज़ में, यहाँ पर भी ये जो है ना तैयार हुए हैं, जो खुरीज़ से निकले हैं वो भी तकरीबन गर्दन के लास्ट स्टेज पे हैं कि बस कुरीज़ वगैरह ख़त्म होने वाला है। ये देख रहे हैं तो इन्हें ज़्यादा तंग नहीं करूँगा, क्योंकि अभी ऐसे समझे कि कुरीज़ भी एक किस्म की बीमारी होती है, सारे पर झाड़ के नए पर लाना, तो टम्परेचर बहुत सी ऐसी चीज़ें जो है ना ये बर्दाश्त कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह से इनको तसल्ली से उठाएँगे और तसल्ली से जो है ना इसी तरह शौक़ आप लोगों को दिखाएँगे। मेन मकसद यही होता है कि शौक़ दिखाना कि मैं किस तरह शौक़ कर रहा हूँ, मुझे किसी के साथ जो है ना जिद्दबाजी नहीं है, ना ही मैं शौक़ दिखा के अपने आप को ये साबित करना चाहता हूं कि मैं बड़ा शौकी हूं या कुछ और। शौक़ जो भी जिस तरह भी शौक़ कर रहा होता है वो मेरी नज़र में वो शौकी है, बेशक जिस तरह वो जिस प्यार से बर्ड्स को रखता है या बकरियों के शौक़ में या किसी भी जानवर के बर्ड्स के शौकीन हो, तो वो जो है ना बहुत प्यार से रखते हैं और उनका ख्याल रखते हैं, तो मेरी नज़र में सारे शौकीन हैं और बड़े शौकीन हैं माशाल्लाह से। तो फ़िलहाल मैं इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह से नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।